नमस्कार दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस ट्यूटोरियल में। आज मैं आप लोगों को एडोबी पेज मेकर 7.0 के अंदर टूल्स के विषय में बताऊंगा। जितने टूल्स हैं वो सारे टूल्स के विषय में आप लोगों को बताऊंगा, अबाउट ऑल टूल्स इन एडोबी पेज मेकर 7.0। देखिए, मुझे एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट किया कि कमेंट करके उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज़ टूल्स के विषय में बताएं, सारे टूल्स के विषय में बताएं। मैंने पहले भी ट्यूटोरियल बनाया है टूल्स से रिलेटेड, आज मैं आपको पूरा का पूरा टूल्स के विषय में आपको बताऊंगा। देखिए, ये जो टूल बॉक्स है, सबसे पहले तो ये आप देख लें, ये जो टूल बॉक्स है, अगर ये यहाँ पर नहीं है एडोबी पेज मेकर में, अगर टूल बॉक्स नहीं है तो कैसे लाते हैं ये दिखाते हैं। सबसे पहले ये देखें, यहाँ पर देखें, ये टाइटल बार है, ये आपका मेनू बार है। अब अगर टूल नहीं है, देखिए यहाँ पे ये जो मेनू बार है, यहाँ पे विंडो में जाएंगे, विंडो में जाने के बाद नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे हाइड टूल्स। अभी देखिए, हाइड मीन्स होता है छिपाना, तो हाइड टूल्स पे अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड जो पेज के लेफ्ट हैंड साइड में जो टूल बॉक्स है, ये देखिए हाइड हो जाएगा। अब टूल बॉक्स मेरा यहाँ से हाइड हो गया, नहीं दिख रहा। तो कभी फ्यूचर में अगर ऐसा होता है कि आपको टूल बॉक्स नहीं मिलता हो, तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ आपको मेनू बार में जाना है, विंडो में जाएं और यहाँ पे शो टूल्स पे क्लिक कर दें, तो ये आपका टूल बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। और ये सबसे पहला जो टूल है, ये इसे हम लोग बोलते हैं पॉइंटर टूल है। तो इस पॉइंटर टूल का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ, साथ में और भी टूल्स भी दिखा, इसके साथ साथ मुझे और भी टूल्स दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो टूल है, रेक्टेंगल बॉक्स जैसा, इसे हम लोग स्क्वायर बॉक्स या रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ और पेज पे किसी भी जगह पे ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ये देखिए इस तरह का रेक्टेंगल बॉक्स मैंने ड्रॉ कर दिया। अगर मुझे इसे सिलेक्शन करना है तो ये पॉइंटर टूल पे जाएंगे, पॉइंटर टूल पे क्लिक कीजिए, उसके बाद इसके लाइन पे क्लिक कीजिए। देखिए, आप इसे मूव कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट ले जा सकते हैं। और अगर ओवल, ये जो ओवल सर्कल टूल है, इस पर क्लिक कीजिए, इसे भी आप इस तरह मैंने ड्रॉ कर दिया। और फिर ये पॉइंटर टूल से मैं इसे ऐसे पूरा का पूरा आप ऐसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं, इसे दोनों साथ में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लस ये आपका टेक्स्ट टूल है, जिससे हम टेक्स्ट टाइप करते हैं। अब इसमें क्या होता है, टेक्स्ट टूल में कैसे टाइप करते हैं एडोबी पेज मेकर के अंदर, तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखें, जब भी आप एडोबी पेज मेकर 7.0 के अंदर काम करें, तो जैसे मैं यहाँ फाइल में गया, न्यू में गया, उसके बाद डॉक्यूमेंट सेटअप का एक डायलॉग बॉक्स आया, यहाँ से पेज साइज जो है, यहाँ से पेज साइज लेना होता है। नॉर्मली हम लोग A4 या लेटर या लीगल पेज इस्तेमाल करते हैं, जो जनरली यूज़ किया जाता है, तो मैं A4 ले लेता हूँ, फिलहाल मैं लीगल ही लेता हूँ, लेटर लेता हूँ, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए, ये पेज ऐसे आ गया, लेकिन इस पर इस तरह काम नहीं करते हैं। इसको क्या करेंगे, जब नया डॉक्यूमेंट पेज ले लेंगे तो ये पॉइंटर टूल पे आप लेकर बीच के किसी भी जगह पेज के मिडिल पोर्शन में रखें और राइट क्लिक करेंगे तो एक मेनू उभर कर आ जाएगा। उसके बाद अभी नीचे देखेंगे, यहाँ पे देखें एक्चुअल साइज फिट इन विंडो, यहाँ पे एक्चुअल साइज पे आपको क्लिक करना होगा। एक्चुअल साइज पे क्लिक कर दिया, करने के बाद ये जो पेज आपको दिखाई दे रहा है, अब इसे सेट करना होता है। तो सेट कैसे करेंगे, जब आप एक्चुअल साइज पेज को जब ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं, तो नीचे देखें टूल है, ये जिसे बोलते हैं हैंड टूल, हाथ का यहाँ पे निशान दिया हुआ है, यहाँ पे हैंड टूल, इस पर क्लिक कीजिए और हैंड टूल से आप पेज को ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। अपने ये जो पेस्ट बोर्ड है, यहाँ पे आप अपने पेज को ऊपर नीचे लेफ्ट राइट आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं ये हैंड टूल के माध्यम से। जैसे मैं फिर छोटा करना है पेज को पहले की तरह, तो राइट क्लिक कीजिए, फिर फिट इन विंडो पर क्लिक कर दीजिए। अब हैंड टूल से भी आप इसे पेज को एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए, लेफ्ट एंड राइट मूव कर रहा है पेज मेरा, तो हैंड टूल का इस तरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन याद रखें, जब भी काम करें एक्चुअल साइज करके पेज को काम करें। अब ये जो टेक्स्ट टूल है, टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल दिखाता हूँ मैं आपको। टेक्स्ट टूल पे क्लिक कीजिए, अगर मान लीजिए मुझे लिखना है कुछ, तो लिखने के लिए नॉर्मल आप ऐसे क्लिक मत कीजिए, क्लिक कीजिएगा तो पेज का ये देखिए आपको कर्सर दिखाई दे रहा है, ब्लिंक कर रहा है, दिख रहा है। तो अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पे गौतम, लिख दिया। लिखने के बाद अभी भी देखिए कर्सर मेरा ब्लिंक कर रहा है। लिखने के बाद आपको क्या करना है, अब इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे नीचे देखें, ये आपका कंट्रोल पैलेट है, यहाँ से साइज हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, ये कोई बात नहीं है। उसके बाद बड़ा छोटा करने के बाद आप चाहें तो ये पिक टूल, ये जो पॉइंटर टूल है, इस पर क्लिक कीजिए और इसे आप ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। पॉइंटर टूल के माध्यम से आप टेक्स्ट को ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। और ये जो यहाँ तक आपको एक एरिया दिखाई दे रहा है, दो लाइन दिखाई दे रहा है, ये इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि आपका टेक्स्ट जो है, आप जब भी टेक्स्ट टूल पे क्लिक कीजिएगा, पूरा का पूरा यहाँ से एक लंबा पूरा पेज के एंडिंग तक आपको ये लाइन दिखाई देगा। इसका मतलब आप यहाँ तक लिख सकते हैं। तो जब इसका जितना ज़रूरी है आप उतना सिलेक्ट कीजिए और लिखिए। ये देखिए, मैं लिख दिया।
लेकिन बेस्ट यही है कि जितने बार भी लिखें, अगर एक ही साथ दो तीन लाइन लिखना है तो टेक्स्ट टूल पे क्लिक कीजिए और एक एरिया सेलेक्ट कीजिए इस तरह ड्रैग करके। उसके बाद आप इसे नॉर्मल जैसे लिख दिया गौतम, फिर इंटर दिया KUM या कुमार इंडिया, इतना लिखा है। अब लिखने के बाद इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। टेक्स्ट टूल से जब भी आप टेक्स्ट को कुछ मॉडिफाई करना है, इसे इस टेक्स्ट को बड़ा करना है, इसको फॉन्ट चेंज करना है, तो याद रखें अगेन आपको टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना है और इसे सेलेक्ट करना होगा। इस तरह टेक्स्ट टूल पे क्लिक कर दिया, उसके बाद सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद ये जो आपका ये जो टूल बॉक्स दिखाई दे रहा है ये आपका कंट्रोल पैलेट है। अगर सपोज ये नहीं है यहाँ पे तो अगेन आप मेनू बार में जाएँ, विंडो में जाएँ, जाने के बाद यहाँ नीचे आएंगे सो कंट्रोल पैलेट पे क्लिक कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपका ये कंट्रोल पैलेट आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है उसे सेलेक्ट लिखने के लिए भी टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल कीजिएगा, और इसे मॉडिफाई करने के लिए, इसका फॉन्ट चेंज करने के लिए, कलर चेंज करने के लिए, जो भी कुछ करना होगा टेक्स्ट को आपको इसी से टेक्स्ट टूल से ही सिलेक्ट करना होगा। टेक्स्ट रिलेटेड काम करना है तो टेक्स्ट टूल से ही सिलेक्ट करना होगा, और यहाँ कंट्रोल पैलेट से भी आप साइज़ को यहाँ से बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो ये साइज़ इंक्रीज़ कंट्रोल पैलेट से अगर नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ देखें मेनू बार में जाएंगे, यहाँ पर देखिए टाइप है, टाइप में क्लिक कीजिए, टाइप में देखिए यहाँ पर साइज़ दिया हुआ है, जो साइज़ यहाँ पे देखिए अभी 30 दिखाई दे रहा है, देखिए कंट्रोल पैलेट में भी 30 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फॉन्ट जो आप इस्तेमाल करना चाहें यहाँ से फॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पसंद है यहाँ से फॉन्ट आप ले सकते हैं। यहाँ से भी आप फॉन्ट का ये जो फॉन्ट का बॉक्स है कंट्रोल पैलेट के अंदर, यहाँ से भी आप फॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। प्लस अगर टेक्स्ट को कलर करना है तो सिंपल टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए। इस तरह टेक्स्ट टूल से जब भी आप कुछ लिखेंगे तो टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल करेंगे, और इसे कलर भी करना है तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा, और राइट हैंड साइड में देखेंगे यहाँ पे कलर का पैलेट दिया हुआ है, यहाँ पे जो कलर पसंद करेंगे देखिए कलर में टेक्स्ट कलर हो जाएगा। हाँ ये कलर हो गया। मान लीजिए ये आपका कलर पैलेट यहाँ पर नहीं है तो वो कैसे आएगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए अगेन आप मेनू बार में जाएँ, यहाँ विंडो में जाएँगे, उसके नीचे आएँगे, यहाँ पर देखिए शो कलर्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे शॉर्टकट भी दिया, देखिए कंट्रोल जे सो कलर्स में क्लिक कर दिया तो यहाँ से आप ये कलर का पैलेट आ जाएगा। सिंपल है, आप जो भी टेक्स्ट लिखिएगा उसे सिलेक्ट कीजिए टेक्स्ट टूल से, उसके बाद उसे आप यहाँ से कलर कर सकते हैं नॉर्मल। तो ये तो रहा टेक्स्ट टूल का टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल। अब ये जो नीचे टूल जो दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं हम लोग रोटेशन टूल। अभी मान लीजिए ये जो मैंने लिखा है, ये जो टेक्स्ट मैंने गौतम लिखा है, मान लीजिए इसे रोटेट करना है तो कैसे रोटेट करेंगे, तो आपको क्या करना होगा इस रोटेशन टूल पे क्लिक कीजिए, ये रोटेशन टूल पे, उसके बाद जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसे आप इस तरह आप रोटेट कर सकते हैं, इसे घुमा सकते हैं। ये देखिए आप इसे ड्रैग करके इसे लेफ्ट राइट ऐसे आप इसे घुमा सकते हैं टेक्स्ट को, ये देखिए रोटेट कर दिया। मान लीजिए मैंने इसे रोटेट किया पहले की तरह, अगर मुझे करना है, अगर पहले की तरह ये नहीं हो रहा है जैसा पहले था स्टार्टिंग था, पहले की तरह नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, तो उसके लिए आसान तरीका क्या है। सबसे पहले तो आपने रोटेशन टूल से इस टेक्स्ट को रोटेट कर दिया, अब पहले की तरह नहीं हो रहा तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे ही आप जो भी टूल इस्तेमाल करेंगे उसका पूरा डिटेल्स आपको ये कंट्रोल पैलेट में आपको दिखाई देगा। देखिए ध्यान से ये कंट्रोल पैलेट है, यहाँ देखिए रोटेशन का ये सिम्बॉल भी इस राउंडेड दिया हुआ, जैसे आपका ये रोटेशन का चिन्ह यहाँ पर साइन दिया हुआ सेम टू सेम यहाँ पर कंट्रोल पैलेट में देखिए रोटेशन का ये जो बॉक्स है यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए 174.41 डिग्री दिया हुआ है, तो ये जो रोटेट किया है मैंने 174.41 दिया हुआ। अगर मान लीजिए इसे मुझे पहले की तरह करना है तो सिंपल है, आप इसे इस बॉक्स में क्लिक कीजिए और सिलेक्ट कीजिए और ज़ीरो लिख दीजिए, ज़ीरो टाइप कीजिए, उसके बाद इंटर प्रेस कर दीजिए, तो आपका देखिएगा टेक्स्ट जो पहले की तरह सेम टू सेम हो जाएगा। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ एक बार और, देख लीजिए मान लीजिए ये बॉक्स है, देखिए ये जो बॉक्स है, बॉक्स मैंने एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ किया, अब उसके बाद ये रोटेशन टूल इस पर क्लिक किया, इस बॉक्स को मैं रोटेट कर देता हूँ, ये देखिए रोटेट किया मैंने बॉक्स को, ये देखिए मैं रोटेट कर रहा हूँ बॉक्स को। अब आप बोलिएगा कि नहीं ये पहले की तरह मुझे जैसा बॉक्स था सेम टू सेम आप उसी पोजीशन में कर दो, तो सिंपल है रोटेशन टूल पे क्लिक कीजिए, और लेकिन बॉक्स रोटेशन टूल से सिलेक्टेड रहना चाहिए। उसके बाद कंट्रोल पैलेट में जाएँ और यहाँ देखिए -24.87 डिग्री दिखा रहा, ऐसे आप बॉक्स में सेलेक्ट कीजिए और ज़ीरो लिख दीजिए, ज़ीरो टाइप कीजिए और इंटर प्रेस कीजिए, तो आपका बॉक्स पहले की तरह हो जाएगा। मान लीजिए इस बॉक्स को आपको 90 डिग्री में इसको रोटेट करना है, तो सिंपल है आप इस बॉक्स में कंट्रोल पैलेट के बॉक्स में जाएं और यहाँ पे 90 टाइप कर दीजिए, 90 टाइप कीजिए, फिर इंटर दबाइए, देखिए बॉक्स 90 डिग्री का एंगल में आ जाएगा। तो इस तरह अगर इसके 30 डिग्री और यहाँ पर लिखते हैं 30 मैंने 30 लिखा, फिर इंटर प्रेस किया, ये देखिए 30 डिग्री में ये आपका बॉक्स रोटेट हो जाएगा। तो ये था रोटेशन टूल का इस्तेमाल।
अब ये जो दूसरा टूल है यहाँ देख सकते हैं क्रॉप टूल। अब इसका हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो नॉर्मली क्या है, क्रॉप टूल का हम लोग इस्तेमाल जनरली पिक्चर को कटिंग, सेटिंग, उसका साइज इंक्रीज़ घटाने बढ़ाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे काटने के लिए फ़ोटो वगैरह को, तो रोटेशन टूल का इस्तेमाल मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं एक फ़ोटो लेकर आता हूँ। तो यहाँ पे फ़ोटो लाने के लिए क्या करेंगे, कोई भी इमेज या कोई भी पिक्चर लाने के लिए क्या करते हैं, ये देखिए टाइटल बार है, उसके बाद ये नीचे देखिए मेनू बार है। यहाँ फाइल में जाएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन प्लेस, प्लेस नाम से ऑप्शन है, प्लेस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद प्लेस का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ पे जिस ड्राइव में भी आपने फ़ोटो रखा है, जिस जगह भी रखा है, अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, कहीं भी रखा है, तो वहाँ से आपको फ़ोटो सिलेक्ट करना है। जैसे ये पिक्चर एक, इस पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद ओपन पे क्लिक कीजिएगा तो एक बॉक्स नुमा आपको सिंबल दिखाई देगा अपने पेज पे। अब पेज के किसी भी जगह पे इस तरह आप ड्रैग कर दीजिए तो ये आपका पिक्चर देखिए यहाँ पे आ जाएगा, ये पिक्चर आ गया। अब ये देखिए ये जो क्रॉप टूल है, ये क्रॉप टूल पे क्लिक कीजिए पिक्चर लाने के बाद, और ये पॉइंट आपको दिखाई देगा। देखिए ऊपर थ्री पॉइंट, एक लेफ्ट में, एक मिडिल में और एक राइट में। अब इस पॉइंट को आप किधर से भी, जो जिस जगह भी पॉइंट है, आप उसे इस तरह ड्रैग कीजिए। ये देखिए मैं चाहता हूँ सिर्फ सर इसके रखने के लिए। ये देखिए अब ये मैंने इस फोटो का सिर्फ चेहरा ही ले रखा है। अब ये फ़ोटो को मैं क्या करूँगा, जब क्रॉप टूल का जो भी टूल इस्तेमाल करें, करने के बाद उसके बाद आपको याद रखें पॉइंटर टूल पे क्लिक कीजिएगा, इसलिए क्योंकि नहीं तो फिर वो टूल फिर दोबारा आप यूटिलाइज़ कीजिएगा तो काम करने में दिक्कत होगा। तो मैंने क्रॉप टूल का इस्तेमाल कर लिया है, उसके बाद आप पॉइंटर टूल पर क्लिक कीजिए। उसके बाद मैं पिक्चर को देखिए क्लिक किया, उसके बाद इसे मैं ड्रैग करता हूँ तो देखिए सिर्फ मैं सिर्फ सर का साइज़ ही इंक्रीज़ हो रहा है, देखिए बाकी फ़ोटो नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, तो ये फ़ोटो क्रॉप हो गया, मतलब मैंने पिक्चर इधर से काट दिया, इसका फ़ोटो इधर से काटा, इधर से इसे क्रॉप कर दिया, ये क्रॉप हो गया। अब आप बोलिएगा नहीं मुझे पहला जैसा था फ़ोटो सेम टू सेम उसी तरह चाहिए, तो अगेन जिस पिक्चर को आपने क्रॉप किया है अगर उसको पहले की तरह करना है तो अगेन आप टूल बॉक्स में जाएं और क्रॉप टूल पे क्लिक कीजिए, और ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये फ़ोटो को, आप उसे अगेन ड्रैग कीजिए कॉर्नर पोर्शन से, तो जितना फ़ोटो था वापस आप उसे पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो क्रॉप किया हुआ फ़ोटो को भी आप पहले की तरह जैसा था वैसा आप कर सकते हैं, ये तो क्रॉप टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर लाइन टूल है, ये स्ट्रेट लाइन के लिए देखिए लाइन टूल है, इस पर आप क्लिक कीजिए और ड्रॉ कर दीजिए, लाइन आ जाएगा। उसके बाद ये क्रूकेड लाइन थोड़ा सा देखिए, ये तिरछा लाइन ड्रॉ होता है इस तरह। अब ये जो लाइन, अगर सपोज आप लाइन को थिकनेस बढ़ाना चाहते हैं, ये जो लाइन है, लाइन आप जो भी लाइन ड्रॉ कर दिए, जैसे मान लीजिए मैंने ये लाइन ड्रॉ किया, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, मैं चाहता हूँ इसका थिकनेस बढ़ाने के लिए, तो आप लाइन ड्रॉ करने के बाद अगेन आप मेन्यू बार में जाएँ, एलिमेंट में जाएँ, जाने के बाद स्ट्रोक है, देखिए यहाँ पर स्ट्रोक पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए इसके सब स्ट्रोक के सब मेनू में जाएंगे, यहाँ पे अलग अलग देखिए यहाँ पे लाइन दिया हुआ है 8 पॉइंट, 12 पॉइंट, जैसे आपको लाइन लेना है यहाँ से आप चूज़ कर लीजिए लाइन। ये देखिए लाइन हो गया। अब सपोज लाइन को कलर करना है तो लाइन को कलर कैसे करते हैं ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो लाइन को कलर करने के लिए अगेन आप कलर पैलेट में जाएंगे, तो अगर मैं इसे अभी क्लिक करता हूँ देखिए इधर, ये देखिए लाइन कलर हो जाएगा। बाय द वे अगर सपोज लाइन कलर नहीं हो रहा तो यहाँ पे ये कलर पैलेट में देखेंगे, यहाँ पे तीन ऑप्शन स्टाइल के नीचे देखिए तीन ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक लाइन के लिए क्रॉस है, एक बॉक्स दिखाई दे रहा है। तो आप बेस्ट यही है जब अगर नहीं कलर होता है तो इस लाइन, ये जो लाइन दिया दिखाई दे रहा है स्टाइल के ठीक नीचे, उसे सिलेक्ट करें, उसके बाद आप कलर पर क्लिक कीजिएगा तो लाइन कलर हो जाएगा और बीच वाला फिल के लिए। तो इस तरह हम लाइन टूल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये आपका रेक्टेंगल टूल है, उसके बाद ये ओवल टूल है, और ये आपका पॉलीगन टूल। अब पॉलीगन टूल का भी इस्तेमाल मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद जितने टूल्स हैं मैं सब दिखाऊंगा आपको। अब देखिए ये जो पॉलीगन टूल है इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद इस तरह मैं एक पॉलीगन देखिए ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे देखिए इधर एक 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे देखिए इस तरह आपका पॉलीगन एक आपने ड्रॉ कर दिया। अगर सपोज़ इस पॉलीगन टूल का अगर स्टार आपको ड्रॉ करना है, स्टार शेप लेना है, तो क्या करेंगे, तो इस पॉलीगन टूल को पे क्लिक कीजिए, उसके बाद अगेन या तो डबल क्लिक कीजिएगा तो एक ऑप्शन आ जाएगा डबल क्लिक, माउस का दो बार लेफ्ट क्लिक दो बार दबाइए, दो बार डबल क्लिक कीजिए, माउस का लेफ्ट दो डबल क्लिक कीजिएगा तो ये बॉक्स आ जाएगा पॉलीगन सेटिंग। सपोज़ वैसे नहीं आता है तो क्या करेंगे, अगेन पॉलीगन टूल पर क्लिक कीजिए और उसके बाद मेनू बार में जाएं, एलिमेंट में जाएं, जाने के बाद नीचे आएंगे एलिमेंट मेनू के नीचे, यहाँ पे देखिए पॉलीगन सेटिंग दिया हुआ है, पॉलीगन सेटिंग में क्लिक कीजिए, पॉलीगन सेटिंग का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ देखिए नंबर ऑफ साइड, अब कितने साइड्स हैं यहाँ पे, सिक्स साइड, सिक्स,
यहाँ पे नंबर ऑफ साइट्स को बढ़ा दीजिए। उसके बाद देखिए नीचे दिया हुआ स्टार इंसर्ट, यहाँ से अभी 0% दिया हुआ है, यहाँ से आप स्टार इस तरह आप स्टार शेप तैयार कर सकते हैं, जितना चाहें आप कर सकते हैं। उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आप दोबारा ड्रॉ कीजिएगा तो देखिए स्टार का इस तरह का शेप तैयार हो जाएगा। तो ये या तो आप पॉलीगन टूल पे डबल क्लिक कीजिए तो पॉलीगन सेटिंग का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अगर पहले की तरह करना है तो नंबर ऑफ साइड को हटा दीजिए, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 6 कर दीजिएगा, यहाँ पे 6 कीजिएगा, हटा दीजिए। देखिए पहले की तरह नॉर्मल हो गया, नंबर ऑफ साइड 6, यहाँ स्टार इंसर्ट 0। अब दोबारा आप ड्रॉ कीजिएगा तो देखिए इस तरह पहले की तरह आपका पॉलीगन टूल तैयार हो जाएगा। अब एक अब दूसरा काम भी इस पॉलीगन टूल से कर सकते हैं। मान लीजिए पॉलीगन टूल जब भी आप ड्रॉ करते हैं तो इस तरह आपको 6 साइड वाला पॉलीगन तैयार होता है। अगर मान लीजिए अपना कुछ अलग शेप आपको ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए भी ये मैं हैंड टूल का इस्तेमाल करके थोड़ा पेज को ऊपर करता हूँ। उसके बाद देखिए साथ में हैंड टूल का भी इस्तेमाल आप देख ही रहे हैं। तो ये पॉलीगन टूल पे मैंने क्लिक करूँगा, और याद रखें क्लिक करने के बाद पॉलीगन टूल में क्लिक करने के बाद आप इस तरह ड्रॉ नहीं करेंगे, ड्रॉ करेंगे तो इस तरह का आपको पॉलीगन शेप तैयार होगा। लेकिन पॉलीगन टूल पे क्लिक कीजिए, उसके बाद क्लिक करते जाइए, फर्स्ट क्लिक, लेफ्ट, सेकेंड क्लिक, थर्ड क्लिक, फोर्थ क्लिक, फिफ्थ, इस तरह क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जहाँ से बिगनिंग स्टार्ट किए थे वहाँ पर क्लिक कर दीजिए, तो अपना एक शेप आप तैयार कर सकते हैं। फिर से दिखाता हूँ मैं आपको, ये पॉलीगन टूल पे मैंने क्लिक किया और फर्स्ट क्लिक किया, अब मुझे इस तरह एक शेप तैयार करना है। ये देखिए क्लिक किया, ये जिस जगह आप स्टार्ट किए हैं लास्ट में आपको उसी से आपको फिनिश करना है, उसी पॉइंट पे आपको मैच करना है। देखिए फिर से मैं दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए, मैं एक पेज ले लेता हूँ, फिल हो गया, पेज लिया मैंने, अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो पॉलीगन टूल है पहले इस पर क्लिक करना है, तो नॉर्मल जब भी पॉलीगन इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह आपका शेप आएगा। अब मान लीजिए आपको कुछ अलग शेप क्रिएट करना है तो अगेन टूल बॉक्स में जाएं, पॉलीगन टूल में क्लिक कीजिए, और अब ड्रैग नहीं करना है, सिर्फ क्लिक करना है। ये मैंने फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, अब इस तरह मैं एक ये देखिए क्लिक करूँगा, इस तरह आप ये देखिए इस तरह का शेप मैं क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन आपको याद रखना होगा जब पहला जो क्लिक किया था, पॉइंट किया था, वहाँ लास्ट में आपको मिलाना होगा, एंडिंग पे ला के वहीं उसी जगह पे आपको। तो इस तरह बहुत सारा शेप क्रिएट कर सकते हैं इस तरह पॉलीगन टूल से। उसके बाद ये हैंड टूल है, फिर ये आपका जूम टूल है, तो पेज को ये जूम टूल में क्लिक कीजिएगा, ये देखिए जूम हो रहा, आप इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे पहले की तरह सपोज मान लीजिए पेज आपका बहुत जूम हो गया, बहुत बड़ा हो गया जूम टूल से, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे 50% साइज चाहिए, 50% हो जाएगा, फिर राइट क्लिक कीजिए, एक्चुअल साइज करना, एक्चुअल साइज, फिर हैंड टूल से आप इसे सेट कर सकते हैं। अब ये जो टूल रह गया, देखिए तीन टूल अभी रह गया इधर, इसको इसके बारे में मैं दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे इतने सारे ये देखिए पॉलीगन के बॉक्सेस वगैरह आ गए हैं, तो ये पॉइंटर टूल पे क्लिक कीजिए और इस तरह बॉक्स को सिलेक्ट कीजिए, पूरा का पूरा इस तरह आप ड्रैग कीजिएगा, सिलेक्ट हो जाएगा करने के बाद, उसके बाद आप इसे डिलीट कर दें। उसके बाद ये जो टूल्स आपको दिखाई दे रहा, नॉर्मल देखिए ये जो ओवल टूल है, ये सर्कल जिससे हम लोग ड्रॉ करते हैं इधर वाला, ये ओवल टूल है, नॉर्मल ये ओवल टूल है, सर्कल ड्रॉ हो गया। उसके बगल में एक और सर्कल दिखाई दे रहा है, ये सर्कल देखिए ये वाला थोड़ा सा अलग टूल है, ये फ्रेम सर्कल फ्रेम ओवल टूल है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब ये मैं नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये देखिए इसमें आपको एक लाइन दिखाई देगा, क्रॉस इस तरह क्रॉस दिखाई दे रहा है। अब ये वाला में और ये वाला में अंतर क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ये नॉर्मल सर्कल है, ये नॉर्मल आप एक सर्कल लिया हुआ है, और ये आपका ये फ्रेम सर्कल टूल है, यहाँ पर देखिए अब इसमें आपको क्रॉस दिखाई दे रहा है। मान लीजिए ये जो सर्कल है इसमें मुझे कुछ लिखना है, तो टेक्स्ट टूल पे क्लिक किया और एक यहाँ पे क्लिक करके एक एरिया सेलेक्ट किया और यहाँ पे लिख देता हूँ गौतम, ये मैंने गौतम लिख दिया। लिखने के बाद अब मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ से, ये देखिए यहाँ पर 24 कर दिया, ये मैंने लिखा है, नॉर्मल लिखा हुआ है। अब मैं इस सर्कल को ये देखिए ले मूव कर रहा हूँ, तो सर्कल देखिए अलग मूव हो जा रहा है, मैं टेक्स्ट यहीं का सेम टू सेम उसी जगह पे रह जा रहा है, मतलब दोनों एक साथ नहीं मूव कर रहा, ये टेक्स्ट अलग है और ये मेरा ये सर्कल अलग जा रहा है। लेकिन ये जो फ्रेम सर्कल टूल है ये वाला, अब मैं यहाँ लिखूँगा देखिए क्या होता है। तो टेक्स्ट टूल पर क्लिक किया, उसके बाद ये फ्रेम सर्कल टूल में मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा, देखिए लिख दिया मैंने। लिखने के बाद इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, ज़रा साइज मैं बड़ा कर देता हूँ कंट्रोल पैलेट से, ये मैंने लिख दिया। अब दिखाता हूँ, देखिए मैं अब टेक्स्ट को ले जा रहा हूँ, तो देखिए सर्कल साथ में जा रहा है, लेकिन ये जो पहले नॉर्मल सर्कल था उसके अंदर अगर टेक्स्ट लिखते हैं आप, तो अगर टेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट मूव करेगा, सर्कल को क्लिक करेंगे तो सर्कल मूव करेगा। लेकिन ये फ्रेम सर्कल, ये जो ओवल टाइप है, इसे आप देखिए साथ में टेक्स्ट भी मेरा मूव कर रहा है,
इसे मैं कलर कर देता हूँ, कलर हो गया। इस टेक्स्ट को कलर करने के लिए टेक्स्ट को देखिए यहाँ पे, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया, यहाँ से इसे कलर कर सकते हैं। मतलब सर्कल के अंदर आप इस तरह का टेक्स्ट लिख सकते हैं इस टूल्स के माध्यम से। इसी तरह सेम टू सेम इस रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर सेम टू सेम इस फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर देखिए उसके बाद मान लीजिए मैं कोई पिक्चर इसके अंदर पुट करना चाहता हूँ सर्कल के अंदर, तो नॉर्मल क्या तरीका है मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप नॉर्मल अगर सर्कल लेते हैं तो इसके अंदर अगर पुट करेंगे सर्कल को, तो उसके लिए एलिमेंट में जाके आपको मास्क ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं नॉर्मली अगर किसी सर्कल के अंदर फ़ोटो आपको इंसर्ट करना है सर्कल के अंदर ही, तो आप इस सर्कल के ठीक बगल में ये जो ओवल टूल बोलता है, कोई सर्कल टूल बोलता है, तो इसके बगल वाला जो टूल है, ये जो ओवल टूल है, इस पर क्लिक कीजिए, फ्रेम सर्कल टूल, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। देखिए इस तरह हो गया। अब मैं एक पिक्चर लेके आता हूँ, लेकिन याद रखें इसको सिलेक्टेड रखें, इस तरह सिलेक्टेड रखेंगे हम। उसके बाद आप यहाँ फाइल में जाएं, उसके बाद प्लेस प्लेस में क्लिक करें, प्लेस का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ये देखिए नॉर्मल से पिक्चर है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। लेकिन याद रखें ये आपका ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया है, ये आपका फ्रेम सर्कल टूल से ही, मैंने नॉर्मल सर्कल नहीं है, ये फ्रेम सर्कल टूल है, टूल से मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया है। उसके बाद पिक्चर को सिलेक्ट किया, फिर ओपन पे क्लिक करूँगा। ये देखिए पिक्चर इसके अंदर सर्कल के अंदर आ गया, लेकिन अभी पिक्चर दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या करेंगे उसके लिए, अगेन आप मेनू बार में जाएं, एलिमेंट में जाएं, जाने के बाद नीचे आएंगे, फ्रेम में जाएंगे। फ्रेम में जाने के बाद यहाँ पे देखें फ्रेम ऑप्शन है, फ्रेम ऑप्शन में क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको दिखाई देगा फ्रेम ऑप्शन का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे देखिए वर्टिकल अलाइनमेंट, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट, क्लिप कंटेंट टू फिट, यहाँ पे साइज फ्रेम टू फिट कंटेंट। अगर ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करूँगा तो जितना बड़ा पिक्चर है उस हिसाब से सर्कल मेरा फिट हो जाएगा। और ये वाला स्केल कंटेंट टू फिट फ्रेम, इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, ये देखिए मेरा सर्कल के अंदर ही पिक्चर मेरा आ गया, देख सकते हैं। तो इस तरह हम सर्कल या फ्रेम सर्कल के अंदर हम लोग पिक्चर वगैरह पुट कर सकते हैं। प्लस अगर आप चाहते हैं नहीं मेरा पहले की तरह जैसा पिक्चर था वैसे हो जाए, तो आप बेस्ट यही है इसे इसे राइट क्लिक करें, यहाँ पे डबल क्लिक करने से आता है, नहीं नहीं आ रहा। तो उसके लिए एलिमेंट में जाएंगे, फ्रेम में जाएं, यहाँ पे देखिए फ्रेम एलिमेंट में जाने के बाद फ्रेम, फिर उसके बाद सेपरेट कंटेंट पे क्लिक कर दीजिए, फिर ये आपका फ्रेम सर्कल से पिक्चर आपका अलग हो जाएगा। तो सेम टू सेम उसी तरह आप जिस तरह आपने सर्कल, ये वाला नॉर्मल सर्कल है और ये फ्रेम सर्कल है, तो मैंने आपको बताया फ्रेम सर्कल के अंदर आप नॉर्मली टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल सर्कल के अंदर आप टेक्स्ट टाइप करने के लिए उसे ग्रुप करना होगा। उसी तरह ये वाला रेक्टेंगल बॉक्स है, सेम टू सेम उसका इस्तेमाल कीजिए। ये वाला ये आपका फ्रेम रेक्टेंगल टूल टूल है, जिससे हम लोग फ्रेम इस तरह बॉक्स अब इसी तरह सेम टू सेम आप कर सकते हैं। इसके अंदर भी अगर पिक्चर देना है नॉर्मल है, अगेन आप फाइल में जाएँ, प्लेस में जाएँ, मैंने क्लिक कर दिया ओपन, देखिए इसके अंदर पिक्चर आ गया। तो सेट करना होगा, तो अगेन आप क्या करें, इसको सिलेक्ट किया मैंने इसे पिक्चर को, एलिमेंट में जाऊंगा, फ्रेम में जाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेम ऑप्शन में आऊंगा, उसके बाद यहाँ पे स्केल कंटेंट टू फिट फ्रेम या साइज फ्रेम टू फिट कंटेंट कर देता हूँ। तो देखिए पूरा का पूरा जितना बड़ा पिक्चर रहेगा उतना बड़ा मेरा फ्रेम उतना बड़ा फ्रेम भी बन जाएगा। अब ओके कर देता हूँ, ये देखिए इतना बड़ा पिक्चर है, देखिए फ्रेम ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ गया, देख सकते हैं, ये देखिए फिट हो गया था इसलिए पिक्चर दिखाई नहीं दे रहा। अब पिक्चर को फ्रेम से अलग करना है, एलिमेंट में जाइए, फ्रेम में जाना होगा, उसके बाद सेपरेट कंटेंट, ये अलग हो गया। तो इस तरह हम लोग अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ मैंने सारे टूल्स के विषय में जितना मुझे मालूम था मैंने बताया। अगर एक्स्ट्रा कुछ रह जाएगा तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊँगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अलग अलग टूल्स, ये सारे टूल्स हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे। अगर ये ट्यूटोरियल आप लोगों को मेरा अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब करें, और मेरा ये ट्यूटोरियल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।